समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के स्वप्निल ने जीता कांस्य पदक, सीएम एकनाथ शिंदे ने एक्स पर दी बधाई। जन्मदिन से पहले मिली बड़ी जीत, किसान परिवार का बेटा है स्वप्निल। भारत की प्रोफेशनल शूटर स्वप्निल कोसाले ने पेरिस ओलंपिक में गुरुवार को कांस्य पदक जीता है। मूल रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक रखने वाले स्वप्निल की जीत के साथ ही भारत की झोली में 3 मेडल अब तक आ चुके हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वप्निल को पदक जीतने की बधाई दी है। बता दें कि स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनका टोटल स्कोर 451.4 रहा। हालांकि टॉप पर चीन के लियो यूकेन टॉप रहे और दूसरे स्थान पर यूक्रेन के एथलीट कुलेस से रही दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक हासिल हुआ। सीएम एकनाथ शिंदे ने एक्स पर बधाई संदेश में लिखा, मराठी कदम आगे। कोल्हापुर के निशानेबाज स्वप्निल कोसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। यह महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि वैश्विक खेल मानचित्र पर देश का स्थान रोशन करने वाला स्वप्निल महाराष्ट्र का बेटा है। स्वप्निल, शूटिंग खेलों में आपकी भविष्य की उपलब्धियों के लिए मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वप्निल अभी वह 28 वर्ष के हैं, 6 अगस्त को उनका जन्मदिन है। ऐसे में बर्थडे से पहले उनके घर में खुशियों की बरसात हुई है। स्वप्निल किसान परिवार से आते हैं। 14 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता ने महाराष्ट्र सरकार के खेल कार्यक्रम क्रीड़ा प्रबोधनी से जोड़ दिया था। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद स्वप्निल ने शूटिंग का चुनाव किया। स्वप्निल रेलवे से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2021 में दिल्ली में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप के टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।